My name is Akshara Patil. I am studying 5th class. Today I am doing this activity for primary and secondary teachers on Teachers Day. So I am doing the mimicry of Mithun sir, who teach us English subjects. So English subject starting. पेज नंबर 82 निकालो और पेनविंकल. अरे यार तुमने अभी तक पेज नंबर 82 नहीं निकाला, जल्दी से निकालो. हाँ, वेरी गुड. दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन. रिप का अर्थ क्या है मुझे बताओ पहले. रिप का अर्थ क्या है? अरे मैं क्या कर रहे हो, कोई एक जवाब दो. बकरी की तरह मैं कर रहे हो. हाँ बोलो लिप्सा. रिप का, हाँ वेरी गुड. रेस्ट इन पीस. वैन का तो आप सभी को पता है. विंकल मतलब कैट्स के जो ये होते हैं, मुझे उसे विंकल कहते हैं. तो रिप वैन विंकल ये एक आदमी का नाम है. सो दिस स्टोरी अबाउट रिप वैन विंकल. ये स्टोरी रिप वैन विंकल की है. गुड नेचर बट लेजी मैन. वो एक गुड नेचर है, मतलब वो एक गुड अच्छा आदमी है और लेजी मैन, पर वो लेजी मैन भी है. हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल अस्लीप. वो हिल्स में चला गया और गहरी नींद में सो गया. When he awake 20 years later, जब वो उठा 20 years के बाद, he found that quite a few things have changed. कि बहुत सारी चीजें है ना थोड़ी सी चेंज हो गई थी. Many years ago, बहुत साल पहले, at the foothills of the Catskill Mountain, जो foothills होता है Catskill Mountain का, वो the children of the village shout with joy whenever they saw him, because he played with them, he taught them to fly kites and shoot marbles and told him long stories. मतलब वो जो रेप होता है ना, वो जो बच्चे होते हैं वो उसे मिल एकदम कष्ट के पकड़ लेते हैं. फ्लाई काइट्स, वो उनके साथ पतंग उड़ाता है, मार्बल खेलता है, उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज बताता है. हाँ मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे साथ हुआ था कि जब हम टिंकू थे ना तुम्हारी तरह, पर फोर्थ क्लास में थे, तो एक वो फार्मर्स होते हैं ना, उन्होंने वहाँ पर एक गार्ड रखा था. वो अंकल दूसरे गांव के थे, हमारे बाजू वाले गांव के. तो जब भी वो आते थे ना, हम जोर जोर से चिल्लाते थे और उन्हें कस कर पकड़ लेते थे. वो अंकल हमें शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज बताते थे छोटी छोटी. फिर कुछ खाने के लिए वो गोलियां मिलती थी, वो देते थे. ऐसे हम उनके साथ खेलते थे. अरे टाइम हो गया है, चलो किसी को कुछ पूछना है बताना है? नहीं तो हम लेफ्ट करते, टाइम तो हो गया अभी. ओके सो बाय एवरीवन. आपको मेरी मिमिक्री कैसी लगी? आई होप मेरी मिमिक्री आपको पसंद आई होगी. और मैं कहना चाहती हूँ कि हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी. थैंक यू.